जोनाथन स्विफ्ट एज अ सेटायरिस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि गुलिवर्स ट्रेवल एज सोशल सेटायर किस तरह से है, क्योंकि इसमें हमने देखा सारे का सारा जो ये एक फिक्शन है, ये जो स्टोरी है, ये सटायर को यूज़ करते हुए, यानी सटायर जो है वो एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसका अबंडेंटली इसमें यूज़ किया गया है. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सटायर यू कैन सी इन दिस स्टोरी. उसमें कहीं पे हम देखते हैं कि उसमें बिटरनेस भी आ जाती है, कहीं पे कोरोसिव हो जाता है, कहीं पे नॉर्मल सटायर है, कहीं पे वो ऐसा है कि वो एक फ़न क्रिएट करने वाला, कहीं पे ऐसा है कि लोगों को बिल्कुल एक वैक्स कंडीशन में ले आने वाला, अफसुर्दा या रंजीदा कर देने वाला. तो क्योंकि सटायर पे बेस है तो आपको सटायर का पता होना चाहिए, और साथ ही ये कि किस किस तरह से और कहाँ कहाँ पे राइटर ने सटायर का यूज़ किया हुआ है, इन विच फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. जैसे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, 2014 से लेके सोन 13 में आया है, 2010 में आया है, 2018 में ये रिपीट हुआ, मतलब ये काफ़ी दफ़ा जो है ना ये क्वेश्चन आ सकता है. तो यू कैन से इट्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी अच्छे से करेंगे. स्विफ्ट ऑक्युपाइज a very distinguishing place among his contemporaries for highlighting the pungent and poignant realities of his time, which regarded him as a master of corrosive satire. Corrosive satire ऐसा होता है जो कि काट कर देने वाला होता है, दो हिस्सों में तकसीम कर देने वाला होता है. Pungent कहते हैं एक stinging रखते हुए, जो एक sting होता है ना, जैसे चुभता हुआ, एक जंग नुमानदास. और प्रेग्नेंट कहा जाता है जो बहुत ही, यानी के जिसको कहते हैं ना कि आप क्लियर, बहुत ही क्लियरली और बहुत ही सख्त अंदाज में, तल्ख भी आप इसके लिए यूज़ वर्ड कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रिक्टली. तो इसमें हमें बड़ा एक तेज़ अंदाज राइटर का नज़र आता है स्टायर करते हुए, और क्योंकि वो डिफरेंट कम्युनिटीज़, और बल्कि हर एक आप कह लें कि उस टाइम की सोसाइटी पढ़ रहे हैं ना, यानी सोशल सटायर आप पढ़ रहे हैं, सोशल सोसाइटी से वर्ड लिया गया, तो सोसाइटी में मौजूद हर इविलनेस पे उसने सटायर किया था. गुलिवर्स ट्रेवल्स इज़ अ हॉलमार्क ऑफ हिज हिस्टोरिकल अप्रोच. हॉलमार्क कहा जाता है मेजर वर्ड को, विच लेबल्ड स्विफ्ट एज अ न्यूरोटिक. न्यूरोटिक कहा जाता है जो एबनॉर्मल पर्सन होता है, दिमागी खलल जिसमें होता है. एंड इनसेन, इनसेन दीवाना, पागल. इन द आईज ऑफ मैनी क्रिटिक्स आफ्टर हिज बुक वी पब्लिश वाज पब्लिश्ड, यानी कि जब उसने ये गुलिवर्स ट्रैवल के नाम से किताब लिखी तो उसकी जो कंटेम्प्रेरीज थे, जो हम असर हम जमाना लोग थे, उन्होंने ही उस पर तनकीद शुरू कर दी कि ये इसने क्या लिखा है, इतना तंज, इतना तल्ख अंदाज ये क्यों अपना रहा है. क्योंकि अगर इसने समझाना है एविलनेस को, शो भी करना है, दिखाना भी है, लेकिन इस अंदाज में इसे करना चाहिए कि वो डाइजेस्टेबल तो हो लोगों की नज़रों में. नो डाउट ऑन अपेरेंट लेवल, यानी सतही जो अगर हम उसकी सतही सी स्टडी करते हैं, अपेरेंट लेवल पे देखते हैं, स्विफ्ट सीम्स टू बी इनडाइजेस्टेबल, बट इफ़ वी गो थ्रू द बुक विद डीप कंसर्न एंड मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कि अगर हम बड़ी गहराई में जाके इसको स्टडी करते हैं, वी फील बाउंड टू एजर्ट दैट स्विफ्ट इज एन एवरी इंच अ मॉरलिस्ट डिस्पाइट हिज मॉर्बिड एटीट्यूड टुवर्ड्स मैन एंड सोसाइटी, कि चाहे उसका तरीका जो है, उसका जो एटीट्यूड है, वो सोसाइटी के अगेंस्ट थोड़ा, यानी स्ट्रिक्टनेस रखे हुए है, एक सख्ती, एक तल्ही उसमें मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ा कंसर्निंग पर्सन है, वो अपनी सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुली सोचता है और उनको मॉरलाइज करना चाह रहा है. तो एज एन मॉरलिस्ट वो फिर जो उसका एक अंदाज है, जो एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है उसमें, हिस्टोरिकली बात को जो है ना वो हाईलाइट करना, तो उस अंदाज में करता है. ही सेज दैट द चीफ एंड ऑफ ऑल हिज लेबर इज टू वैक्स द वर्ड रैदर देन डाइवर्ट इट. अंडरलाइन कर लें जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ये कोटेशन है कि वो दुनिया को कहता है कि मुझे पता है सिर्फ एक किताब लिख के मैं सब लोगों को बदल नहीं सकता, उनकी सोच को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कम अज़ कम उन्हें एहसास तो दिला सकता हूँ. वैक्स कहा जाता है
अजरदा कर देना, रंजीदा बना देना। गुलीवर्स ट्रेवल अबाउंड, अबाउंड यानी विद फुल ऑफ, भरपूर, भरा हुआ, विद डिफरेंट मोड्स ऑफ स्टायर, यानी स्टायर के मुख्तलिफ अंदाज जो हैं वो उसमें हमें नजर आते हैं। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस फ्रॉम वॉयस टू वॉयस, द फॉर्म ऑफ स्टायर ट्रांजेस्ट यानी क्रॉस कर जाती है फ्रॉम कॉमिक टू बिटर एंड फाइनली क्रॉसिव, यानी शुरू में हमें थोड़ा सा मजाहियापन नजर आता है कि छोटे छोटे बोनों की एक दुनिया है, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, तो अपने उस स्टैचू के साथ वो वहाँ पे चला जाता है और उन बोनों को देख के बड़ा लुत्फ अंदोज़ होता है, वो डरते हैं, मतलब बड़ी मजाहिया सी उसमें वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि अब ये खुद जो है वो एक बोना है, जब सेकेंड वॉयज जिसका हम देखते हैं ब्रॉब डाइनिंग का, और लोग जो है वो बड़े बड़े हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा तरस आने लग जाता है, यानी सेम्पथी ये गेन कर लेता है। उसके बाद जो थर्ड वॉयज है इसका, उसमें हमें ग्लूमिनेस नज़र आती है, और बिल्कुल जो फोर्थ वन है उसमें तो ये इरेशनल लगने लगता है, और क्रॉसिव यानी कि बड़े सख्त किस्म और बिटर, बिटर वैसे कहा जाता है तल्ख हो, लेकिन ये तल्ही भी क्रॉस करके क्रॉसिव, क्रॉसिव यानी इतना अग्रेसिव मोड के दूसरे इंसान को या जिस क्लास पे, जिस सोसाइटी पे, जिस पर्सन पे वो सटायर कर रहे हैं वो नाराज़ होने लगे उससे, ऐसी बातें की जाती हैं इस किस्म के सटायर में, विच इज़ ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल फॉर मैन। तो क्योंकि इंसानों को हाईलाइट करता है, तो इंसान के लिए ये वे ऑफ टॉक बिल्कुल इनटॉलरेबल होता है, नाकाबले बर्दाश्त होता है जो इसने यूज़ किया है। बट एवरी राइटर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज एज, एंड स्विफ्ट बिलोंग्स टू एन एज ऑफ स्मग कंप्लेंसेस। स्मग कहा जाता है जो प्रॉस्पीरियस होता है, बड़ा खुशहाल, और कंप्लेसेंसी कहा जाता है बहुत, यानी कि लिहाज रखते हुए और मुरव्वत वाली एक उसकी जो है वो सोसाइटी थी, एक दूसरे का बड़ा लिहाज और खुशहाल भी थे। तो क्योंकि ये ज़्यादा जो ग्लूमीनेस है, उदासियाँ, ये तब नज़र आती हैं जब ज़्यादा रिचनेस नहीं होती, प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, तो क्योंकि वो थी इसलिए इसका अंदाज़ भी थोड़ा तलही लिए हुए भी है, और थोड़ा सा उसमें सटायरिकली या अर्निकल अंदाज जो है उसका। करप्शन वाज रैम्पार्ट एंड पीपल वर सीकिंग प्लेयर इन डूइंग एनी इविल विदाउट हैविंग एनी लीस्ट कंपक्शन ऑन देयर साइड। तो लोग जो थे उनको इन्जॉयमेंट मिलती थी जब वो कोई गुनाह करते थे, कोई गलती करते थे, जैसे कि आप पढ़ेंगे एक पोएम है रेप ऑफ द लॉक के नाम से, तो उसमें अलेक्जेंडर पॉप ने सेम, ये क्योंकि ये सेम एज फेलोज है ना, तो उसने भी यही सटायरिकली अंदाज या आयरनिकली कह लें कि मजाया अंदाज में, तंजिया अंदाज को अपनाते हुए अपने वो जो इवलनेस है उसकी सोसाइटी में उसको हाईलाइट किया हुआ है। दिस जोनाथन स्विफ्ट यर्स द वेल ऑफ स्मग कॉम्प्लीसेंसी ऑफ टू एक्सपोज द रियलिटीज फॉर विच पीपल हैड ब्लाइंडेड देमसेल्फ। अब उसने वो नकाब जो उन्होंने खुशहाली का लगाया हुआ था उसके एज फेलोज ने, उसको ये क्या कर देता है, उतार देता है। इन गुलीवर्स ट्रेवल फ्रॉम वॉयस टू वॉयस देर इज एन सटायर ऑन पॉलिटिक्स, अंडरलाइन कर लें इसको, सियासत पर उसने सटायर किया हुआ है, यानी कि ये उसके टॉपिक्स हैं। ह्यूमन फिजियोग्नॉमी, जब वो बिल्कुल फर्स्ट वॉयज जो है ना, ये उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो इतना बड़ा है और बाकी सब लोग बोने हैं, तो ये कहता है कि जो दूसरी क्रिएचर है ना उसके सामने तो हम इंसान खुद को बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा समझते हैं, लेकिन हमारी फिजियोग्नॉमी, हमारी जो फिजीक है, उन बाकी जानवरों को जो हमसे जिसामत में, साइज में बहुत छोटे हैं, उनके लिए तो ये बड़ी एक कॉमिक हमारी जो है वो कंडीशन उनके सामने होगी कि हमारी ऐसी अजीब सी फिजियोग्नॉमी उनके लगती होगी। इंटेलेक्ट एंड ऑन मॉरल शॉर्टकमिंग्स, और अखलाकी गलतियां जो हैं वो भी उसमें हाईलाइट करता है इंसानों की। जैसे कि ये इसने एक बात की ना कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस पर शक करता है, डाउटफुल होता है कि उसकी वाइफ के गुलीवर्स के साथ कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप्स हैं। तो असल में ये भी उसने अपनी एक कह सकते हैं कि आप बीती भी लिखी है इसमें, वाकई जो उस टाइम का था इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर था, वो उसने कुछ ऐसी बातें जो हैं वो सुनने में आती हैं कि वो इस पर डाउट करता था
इस चीज़ को लेके कि शायद इसका और उसकी वाइफ का कोई रिलेशनशिप है. तो उसने अब जब ये बात की हुई है ना, तो मींस कि उसने रिजेक्ट किया है इस थॉट को कि ऐसी कोई बात नहीं थी. तो उसको यानी अपनी क्लैरिफिकेशन जो उसने दी है वो इस बुक में एक करेक्टर क्रिएट करके गुलीवर्स का उसके थ्रू दी हुई है. अब आ जाते हैं, यानी ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपके क्वेश्चन का. अब मेन टॉपिक सोशल सटायर, यानी कि कैसे वॉयज टू वॉयज कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है इस टर्म को. इन द फर्स्ट वॉयज टू लिलीपुट, स्विफ्ट सटराइजेज ऑन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल टैक्टिक्स प्रैक्टिस्ड इन इंग्लैंड थ्रू द पिक्चर ऑफ लिलीपुट. स्विफ्ट मॉक्स द मैनर इन विच पॉलिटिकल ऑफिसेज वर अवॉर्डेड बाय इंग्लिश किंग इन हिज टाइम. तो असल में उसने जो मॉकिंग की हुई है वो उस टाइम की जो इलेक्शन है उस पर की हुई है कि इलेक्टिव पर्संस वो हैं जो गवर्नमेंट में जो ओहदे दिए हुए हैं लोगों को, या कह लेंगे जैसे बादशाह है, प्राइम मिनिस्टर है, जो उनके चहेते उनके मंजूरे नज़र हैं उनको अवार्ड दे दिया जाता है, उनको कोई भी ओहदा दे दिया जाता है, और जो बाकी लोग जो वाकई स्किलफुल पर्सन है उनको इग्नोर कर दिया जाता है. फिल्म ने द ट्रेजरर रिप्रेजेंट सर रॉबर्ट वैलपोल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड. यानी ये जो इसके फिक्शन में हम पढ़ते हैं वो फिल्म नैप का नाम है, लेकिन असल में वो जो करेक्टर को उसने उसके साथ रिलेट किया हुआ है वो सर रॉबर्ट वैलपोल का था, जो इंग्लैंड में उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था, और उसके साथ इसके इश्यूज भी चल रहे थे. डांसिंग ऑन टाइट रोप सिंबलाइजेज वालपोल स्किल इन पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स एंड पॉलिटिकल इंट्रीग्यूसेस. इंट्रीग्यूसेस कहा जाता है इस साजिशों को. रेड रेसल रिप्रेजेंट्स लॉर्ड कैटरेट हु वाज इंग्रेजुएटेड बाय वालपोल टू बिकम लॉर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ आयरलैंड. तो उस टाइम में क्या हुआ कि उसे, क्योंकि वो उसका जो एक मंजूर नज़र था, उसका जो बड़ा एक कह सकते हैं कि क्लोज फ्रेंड था लॉर्ड कैटरेट के नाम से, वालपोल ने उसको लेफ्टिनेंट बनवा दिया था आयरलैंड का पूरा, क्योंकि वो उसका दोस्त था सिर्फ, हालांकि वो डिज़र्व नहीं करता था इस सीट को. द एंशियंट टेम्पल इन विच गुलीवर वाज हाउस माइट बी एन ऑब्लिक रेफरेंस टू वेस्टमिंस्टर हॉल वेयर चार्ल्स वन हैड बीन कंडेम्ड टू डेथ. यानी कि यहाँ पे जो गुलीवर का करेक्टर है वो हमें फर्स्ट वॉच में नज़र आता है कि उसको बाउंड कर दिया जाता है कुछ दिन तक, उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि ये कैसे बिहेव करता है, और उसको वो भी शहर में नहीं लेके जाते अपने जहाँ पे उनके घर हैं मकान आते हैं वहाँ पे. तो ये उसने एक रेफरेंस कहते हैं कि एक ब्लाइक सा एक लाइट सा रेफरेंस जो है वो दिया हुआ है चार्ल्स के लिए, जिसको कि नई हुकूमत जब आई थी तो उसको उन्होंने बिल्कुल बाउंड कर दिया था कि अब आपने उस यानी एक जगह या एक उसको प्लेस दे दिया गया था एक पैलेस में, और उसे कहा गया था कि अब वहाँ से तुमने निकलना नहीं है. स्विफ्ट मॉक्स एट द इंग्लिश किंग और किंग्स कन्फर्मेंट. कन्फर्मेंट कहा जाता है नवाज शाह को ऑफ थ्री फाइन सिल्क थ्रेड्स टू हिज पॉलिटिकल फेवरेट्स. तो इसमें हमें नज़र आता है कि जो बादशाह है ना लिलीपुट का, वो उसके जो फेवरेट मोस्ट फेवरेट कोर्टियर्स होते हैं उनको वो एक एक मुख्तलिफ रंगों का तीन धागे दे देता है, तो वो एक साइन होता है. तो ये जो तीन धागे हैं असल में ये वो आप कह सकते हैं कि रैंक्स हैं जो उनको दिए गए हैं. स्विफ्ट इज आल्सो पिथी ऑन हिज डिटेल ऑन ऑफ द अनोयंस ऑफ द एम्प्रेस. एम्प्रेस कहा जाता है क्वीन को, मलका को, ऑफ लिलीपुट ऑन एक्सटिंग्विशिंग द फायर ऑफ हर पैलेस इज अ रेफरेंस टू क्वीन एनी जो है ये उस टाइम की, इसको एना भी कहा जाता है, तो ये उस टाइम में रूलिंग कर रही थी इंग्लैंड पे. अनोयंस विद हिम ऑन राइटिंग अ टेल ऑफ अ टॉप, क्योंकि ये हमने पहले जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा ना कि टेल ऑफ टॉप में क्या स्टोरी थी, मजहब के अगेंस्ट उसने कुछ बातें, अगेंस्ट भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि सटायर किया हुआ था कुछ ऐसी रस्में कुछ रिवाज जो फ़्रोग पा गए थे उस टाइम के मजहब में, लेकिन क्रिश्चियनिटी में थे नहीं. तो मलका ने जब वो पढ़ा तो वो नाराज़ हो गई उससे. इन विच स्विफ्ट हैड अटैक्ड रिलीजियस अब्यूज़ेस बट क्वीन मिस इंटरप्रेटेड द बुक एंड गॉट अनोयड.
तो अब क्या हुआ कि मलका ने जब वो पढ़ी तो वो डिटेल्ड स्टडी नहीं की उसने, उसने भी अपेरेंट सरफेस लेवल पे पढ़ा, तो उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए इस बात पे कि ये चीज़ जो है, यानी कि कोई भी राइटर ऐसी जरूरत कैसे कर सकता है, इतनी डेयरनेस कैसे हो सकती है। तो उस चीज़ को जो है वो लेके नाराज़ हो गई थी स्विफ्ट से। तो अब क्योंकि स्विफ्ट जो है वो इस चीज़ को अब एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसी गुलिवर्स ट्रैवल, ये एक तरह की आप कह सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन दी हुई है उसने अपने आप पे, जो उसके अगेंस्ट ब्लेम या चार्जेस रेज किए गए थे उनको वो वन बाय वन यहाँ पे डिक्लाइननेस जो है वो उसकी नज़र आती है, इग्नोर करता है या बताता है कि वो खुद जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था। Swift's satire becomes amusing when Gulliver speaks of the conflict that highlights the theological dispute. Theological कहा जाता है जो related with religion, मजहबी होते हैं, between the big endings and the little endings in Lilliput. जी उज्मा, this Swift is ridiculing the conflict between the Roman Catholics and Protestants. अब ये दो जो हैं कैथलिक और प्रोटेस्टेंट, ये क्रिश्चियनिटी के टू सेक्ट्स हैं, दो फिरके हैं, जिनको उसने यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली नरेट किया हुआ है कि छोटी छोटी बात पे इन दोनों के जो है ना वो आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं। द रिफ्ट बिटवीन हाई हिल एंड लो हिल हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विग एंड ट्रॉय। विग एंड ट्रॉय ये द टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंग्लैंड, ये बाय नेम याद रख लीजिएगा। अब सेकेंड को देखते हैं, सेकेंड वॉयज टू ब्रॉबडिंग, स्विफ्ट स्टायर्स ऑन द क्रेसनेस। क्रेसनेस मीन्स जो एक बहुत ही घटियापन होता है ना, लाइक अग्लीनेस होती है, एंड अग्लीनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। हियर स्विफ्ट लुक्स एट मैनकाइंड विद डिफरेंट लेंसेज। द पीपल इन ब्रॉबडिंग आर 60 to 80 feet हाई, मतलब वो बहुत यहाँ तक कि 80 feet तक उनकी जो है वो हाइट है। बड़े देवकामत लोग हैं वो। नॉट ओनली मैन एंड वुमेन आर ह्यूज इन साइज बट एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज ऑफ इनमरस साइज विच गिव्स अ शीर कंट्रास्ट इमेज देन दैट ऑफ लिलीपुट। मतलब जैसे एक होता है ना कि हमारे कहने के एक नॉर्मल पर्सन है 5 to 6 feet का है, तो उसके लिए जो उसके बेड हैं, उसके दरवाजे, उसके रूम, वो उसी के साइज़ के मुताबिक बनाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्योंकि उनकी 80-80 feet तक है, तो उनकी जिसामत के लिहाज से ही हर चीज़ है। वहाँ पे दरिया वैसे हैं, वहाँ पे पहाड़ उस तरह के हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो उनका एक जिसको कहते हैं कि मुनासबत से, तनासुब से है। उसके बाद कहा जा रहा है कि गुलीवर हेयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरसिटी, कि अब वो लोग जो हैं वो हैरान होते हैं इस पे ड्यू टू हिज माइक्रो साइज, क्योंकि उसकी हाइट तो वहाँ पे उनके सामने कुछ नहीं है। लाइक आप इस तरह से ले लें कि जैसे ये लिलीपुट में जाता है और उसकी जो एक फिंगर है, एक या टू फिंगर्स हैं, और उस जितना इसको जो है वहाँ पे इंसान, हर इंसान नजर आ रहा है, तो अब उसी तरह से यहाँ इसको ट्रेड किया जा रहा है। गुलीवर गिव्स एन अकाउंट टू द किंग ऑफ ब्रॉबडिंग ऑफ द लाइफ ऑफ हिज ओन कंट्री, द ट्रेड, द वॉर्स, द कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलीजन। अभी अंडरलाइन कर लें कि सेकंड वॉयज में क्या क्या चीज़ें हैं। द रिफ्ट बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज द किंग मॉक्स एंड ऑब्जर्व्स हाउ कंटेम्प्टेबल इज ह्यूमन ग्रैंडियर विच इज बीइंग मिमिक्ड बाय सच डिमिनेटिव इंसेक्ट्स एज गुलीवर। इनके वहाँ पे फिर जो है गुलीवर का एक तरह से बड़ा उसको ह्यूमिलेट किया गया, मजाक उड़ाया गया इंसानों का। यहाँ पे इसका जो सटायर है वो बिटर हो गया सेकंड वाइज में। द किंग रिमार्क्स दैट द हिस्ट्री ऑफ गुलीवर कंट्री सीम्स टू हिम टू बी ओनली अ सीरीज ऑफ कंस्पायरी, यानी साजिश करना, रेबलियंस, रेबल जो बागी होते हैं, मर्डर्स, रेवोल्यूशंस एंड पैनिशमेंट एट्सेट्रा, इनकी सारी कहते हैं कि बुराइयां ही हैं तुम लोगों में। द किंग कंडेम्स द फैटल यूज ऑफ गन पाउडर एंड द बुक्स रिटन ऑन द एक्ट ऑफ गवर्निंग। द किंग मॉक्स एट द ह्यूमन रेस ऑफ विच गुलीवर इज रिप्रेजेंटेटिव। आगे कोटेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आई कैन नॉट बट कंक्लूड द बल्क ऑफ योर नेटिव्स टू बी द मोस्ट प्रिनिशियस। प्रिनिशियस कहा जाता है मुखलिक को। रेस ऑफ लिटिल ऑडियस वर्मीन दैट नेचर एवर सफर टू क्रॉल अपॉन द सर्फेस। यानी इतने बुरे अल्फाज में उनका जिक्र करता है कि जब गुलीवर उसको बताता है कि हमारे यहाँ गन पाउडर का यूज़ किया जाता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं, हमारे यहाँ वॉर्स होती हैं, तो कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल इतने अगली क्रिएचर हो, इतने छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह, इंसेक्ट्स की तरह हो, और तुम लोग इतना ये नहीं कि करते हो कि कत्ल तक कर जाते हो और हर तरह की बुराई तुम में पाई जाती है। सिर्फ स्ट्राइज इज द अगली साइड्स ऑफ ह्यूमन फिजियोनॉमी, यानी इंसानी फिजीक की उसने वहाँ पे
तोहीन की हुई है. देर इज अ मैन विद अ ह्यूज ट्यूमर इन हिज नेक, अनदर बैगर हैज वुडन लेग्स ईच अबाउट 20 फीट हाई, बट द मोस्ट हेटफुल साइट इज दैट ऑफ लाइस क्रॉलिंग ऑन देयर क्लॉथ्स. दिस डिस्क्रिप्शन री इन्फोर्सेज स्विफ्ट व्यू ऑफ द अग्लीनेस एंड फॉलनेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. के इंसान जो अपने आप पे बहुत प्राउडी है, बड़ा अपने आप पे गुरूर करता है, तो ये कहता है कि असल में इंसान जो है वो उसकी बाय फिजिक ये बहुत बुरा भी लग रहा होता है. इन द थर्ड वाइल टू वेरियस आईलैंड देयर इज अ स्टार ऑन ह्यूमन इंटेलेक्ट. अब तीसरे में देखें किस चीज़ पे तंज है, इंसानी सोच पे, इंसानी जहानत पे, कि वो इतने ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई हुई है कि उल्टा इंसानों को नुकसान पहुंच रहा है. मिस यूज ऑफ हिज सजेस्टी, सजेस्टी कहा जाता है फरासत को ऑन साइंस. हियर दो स्विफ्ट्स टायर इज नॉट वेरी बिटर, येट इट इन्वॉल्व्स द फॉलीज एंड अब्सर्डिटीज मेड बाय मैन ऑन द नेम ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस. वी आर ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द यूजलेस एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्चेस व्हिच वर गोइंग ऑन द एकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स इन लेगार्डो. लेगार्डो जो है वो लेप्टा में ही एक जगह होती है, असल में ये एक अकेडमी का नाम होता है जहाँ पे ये लैब बनाई हुई है उन्होंने और सारे डिफरेंट जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं. Science seems to be moved topsy-turvy. Topsy-turvy यानी दरहम बरहम हो जाना. When the scientists want to extract sunbeams, अब यहाँ पे ये देखें उनके experiments क्या हैं कि sunbeam जो सूरज की शुआएं हैं वो cucumbers में से गुजार रहे हैं to convert human excretion, यानी कि इंसानी फुजले को into its original food, दोबारा खाने में convert कर रहे हैं to build houses from the roofs of townwood, the foundation. अब जो घर बनाए जाते हैं उसकी बुनियाद जो होती है वो पहले बनाई जाती है और फिर ऊपर घर बनाया जाता है. वो क्या कर रहे हैं कि वो पहले घर बना रहे हैं और बुनियादें जो है वो उल्टी रख रहे हैं. मतलब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं. टू ऑबटेन सिल्क फ्रॉम कॉब वेब्स, मकड़ी के जालों से वो रेशम बना रहे हैं. टू प्रोड्यूस बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स बाय द यूज ऑफ मशीन विदाउट हैविंग टू एग्जर्ट वन्स ब्रेन. आगे कोटेशन है, ये सेम याद कर लीजिएगा, ये उनकी फिजिक पे है. Here Swift mocks at the diverted intellect of scientists, academics, planners and all those who only proceed theories and are practically nil. Swift also studies historians and literary critics, so Gulliver's interviews with Gustav famous dead, क्योंकि वो लोग इतनी तरक्की कर गए हुए हैं कि वो जो इंसानी रूह है उसको भी बुलाने पे कादिर हैं. तो जब उसको बुलाया जाता है और स्विफ्ट बताता है कि गुलिवर ने उनसे बात की, तो वो सारे हिस्टोरियंस जो गुजर चुके थे, राइटर्स जिनके बारे में बड़ी कहानियां मशहूर हैं, वो कहते हैं कि हमसे रिलेटेड जो जो चीज़ें इंसानों ने जोड़ दी हुई हैं, हमने तो ये बातें ही नहीं की हैं, हमने तो ये काम ही नहीं किए. इन द फोर्थ वॉयस टू हिनम्स देयर इज अ शार्प एंड प्रेग्नेंट स्टायर ऑन ह्यूमन मॉरल शॉर्टकमिंग. This voice contains the most coercive and offensive satire on the mankind. Here horses are ruling over man. यहाँ पे क्या होता है, एंड पे हम देखते हैं कि इंसान को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया गया और वहाँ पे जानवर हुकूमत कर रहे हैं जो कि हॉर्सेज हैं. द डिस्क्रिप्शन ऑफ याहूज हु रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग गिवन अस बाय गुलिवर एंड पैट्रिक. यहाँ पे कोटेशन है आगे, येट आई कन्फेस आई नेवर सा, कहते हैं कि मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ, एतराफ़ करता हूँ कि जिस तरह के याहूज हैं इससे घटिया क्रिएचर मैंने कभी देखी ही नहीं थी. बाय कंट्रास्ट द हिनम्स आर नोबल एंड बेनिवोलेंट एनिमल्स हु आर गवर्न्ड बाय रीजन एंड हु लेड एन ऑर्डर्ड लाइफ. कि वो ये कल हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था ना हिनम्स का जो वॉयज है, कि वो बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं. सो इट वॉज अ लिटिल अटैक ऑन द ह्यूमन रेस टू बी रिप्रेजेंटेड इन्फीरियर टू ह्यूमंस मेंटली एंड मॉरली. तो यहाँ पे इंसान को जानवरों से कमतर दिखाया गया है, कि मेंटली भी कमतर है और मॉरली अहलाकियात में भी. गुलिवर टेल्स मास्टर ह्यूमंस ऑफ ऑल द इवल्स एंड वाइसेस. वाइसेस बुराइयों को कहा जाता है. That were prevailing in European countries, Gulliver also tells about the numerous deadly weapons and the wars in Western countries which were fought sometimes due to the ambitions of kings and sometimes due to corruption of the minister. तो यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जंग भी जो की जाती है ना ये बड़े developed countries में, ये बाज़ों कहती है उन लोगों की गलती होती है जिनको ओहदे दिए होते हैं. Then Master Hinnoms opened the account of habits and ways of life of the Yahoos. He speaks of their gluttony and love for shining stone. Shining stone यानी सोना चांदी. उसके लिए वो कहता है कि ये बड़े ज़्यादा conscious होते हैं और एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं ये स्टोन्स गेन करने के लिए. तो इंसान भी यही करते हैं कि थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से फायदे के लिए किसी को भी बहुत बड़ा भी नुकसान दे देते हैं.
तो सेम यही हैबिट जो है वो याहूज में, और याहूज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को. हियर वर नीदर फिजिशियन टू डिस्ट्रॉय माई बॉडी, नॉट लायर टू रून माई फॉर्चून, नो इन्फॉर्मर्स टू वॉच माई वर्ड्स एंड एक्शन. यानी कि कहते हैं कि ये सारी बुराइयाँ असल में दिखा रहे हैं ना, जैसे फिजिशियंस और ये सब हमने वैसे कल डिटेल में भी पढ़ा है कि कहते हैं कि ये जो डॉक्टर्स हैं, मतलब ये इनका काम तो ये है कि क्योर करना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं उल्टा. यानी कि ऐसी ऐसी मेडिसिन देते हैं, ऐसे ऐसे तरीके से ट्रीटमेंट्स करते हैं. जैसे कि आप देखें कि आजकल भी ये कॉमन चीज़ हो चुकी हुई है कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन के नाम पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट क्लिनिक्स में क्या हो रहा है, किडनीज निकाल लेते हैं वो. यानी कि छोटी सी जो है वो बीमारी, हालांकि बीमारी होती भी नहीं है बाज़ोकात, और जस्ट अपनी फीसिस को रिकवर करने के लिए वो क्या करते हैं, या ज़्यादा करने के लिए अजीब गरीब सी मेडिसिन लिख के दे देते हैं, और पेशेंट को इतना डरा दिया जाता है कि वो कहते हैं कि मैं अगर इस डॉक्टर से मिला नहीं होता तो शायद मेरे जिंदा रहने का इम्कान ही नहीं होता. मतलब इस तरह से जो है ना वो एक खेला जा रहा है लोगों की जिंदगियों से. तो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ना कोई रॉबरी है, ना कोई मर्डर है, ना यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, ना यहाँ पे बैक बाइटर्स हैं. यानी कि यहाँ पे हर तरफ सुकून है, अमन है. इन हेनम्स लाइफ एवरी थिंग इज कैलकुलेटेड एज प्लाटोज यूटोपियन लैंड. जैसे ये मॉक यूटोपिया पढ़ा है ना आपने, क्योंकि यूटोपिया कहा ही इसलिए गया कि वो उसको एक आइडियल लैंड कंसिडर करता है, और प्लाटो ने भी आपने जो रिपब्लिकन या यूटोपिया का नाम दिया था जिसको, वो एक आइडियल लैंड था इन रिपब्लिकन. दैट्स व्हाई गुलिवर्स रिएक्शन ऑन हेनम्स फुल विद हिम सो मच एडमायरेशन फॉर देम, एंड ऑन द अदर साइड ही डेवलप्स सो मच हेटर्ड एंड डिसगस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स दैट ही डज नॉट इवन विश टू रिटर्न टू हिज कंट्री. हालांकि पहले उसने जितने भी वॉयजेस किए सब में लास्ट में उसकी यही विश थी कि जितना जल्दी हो सके वो वापस चला जाए अपने बीवी बच्चों के पास. लेकिन जब हेनम्स के लैंड में गया तो वहाँ पे उसे वो ज़बरदस्ती निकालते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो उसके जो हेनम्स के नज़दीक तरीन एक जजीरा होता है, एक आइलैंड, वो वहाँ पे जाके छुप जाता है और कहता है कि थोड़े दिन बाद मैं फिर वापस चला जाऊँगा और कहूँगा कि मैं फिर से गुम हो गया, या मुझे कोई वे नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला वापस जाने का. लेकिन वहाँ पे फॉर्चुनेटली इसको रेस्क्यू कर लिया जाता है. हालांकि ये बड़े भागने की कोशिश करता है, बार बार पानी में जंप कर देता है उस शिप से. तो वो शिप मैन जो होते हैं वो समझते हैं कि शायद ये अकेला रह के काफ़ी टाइम से तो पागल हो गया है, या इसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है. तो वो उसको फिर आखिरकार चेन में बांध देते हैं, जंजीरों से बांध देते हैं, फिर उसे वापस ले आते हैं. तो बहरहाल ये क्योंकि उसके लिए आइडियल लैंड होती है, वहाँ पे उसे कोई करप्शन, कोई इविलनेस नज़र नहीं आती. तो उसमें स्विफ्ट जो है वो दिखा रहा है अपनी फीलिंग्स को कि वो इंसानों से अब उसे और कोई उम्मीद नहीं रही है, तो वो जानवरों के साथ रहने को प्रेफरेंस देता है. कि इंसानों को समझा कि अपने ख्याल में वो इतना थक गया है कि अब इंसानों की बजाय जानवरों के साथ रहना उसके लिए बेहतर है. फाइनली अब लास्ट पे कंक्लूजन है. कंक्लूजन में आपने अपनी तरफ से कमेंट्स लिखने होते हैं. फाइनली वी कंक्लूड दैट गुलिवर्स ट्रैवल इज अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट कंटेनिंग सोशल सटायर इन इट. एवरी सटायरिस्ट इज एट हार्ट अ रिफॉर्मिस्ट. रिफॉर्मिट यानी इसलाह करने वाला, रिफॉर्म क्रिएट करने वाला. Swift also wants to reform the society by pinpointing the vices and shortcomings in it. अब Swift भी यही करता है अपनी सोसाइटी में जितने भी उसे बुराइयाँ नज़र आती हैं, हालांकि इकदार उसे लो लेवल पर नज़र आते हैं, वो उनको हाईलाइट करते हैं. सो ही हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन accomplishing his सेल्फ imposed ड्यूटी. सेल्फ इम्पोज उसने अपने आप पे खुद मुसल्लत कर लिया एक ड्यूटी के मुझे दुनिया में या मेरी सोसाइटी में जो जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना है. तो वो उसको पूरा करता हुआ उस ड्यूटी को इस स्टोरी में, इस फिक्शन में हमें नज़र आता है.